ये लड्डू इतनी टेस्टी और पौष्टिक है कि खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप व्रत किए हुए हैं। बनाना बहुत आसान है और ज्यादा समय भी नहीं लगता है। फटाफट से ये लड्डू बन जाती है, क्योंकि नवरात्रा में बहुत ज्यादा काम रहता है। लड्डू आप बना के स्टोर कर सकते हैं, ये बहुत दिनों तक खराब नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़ा के आटा के लड्डू, जो व्रत में खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे आधा चम्मच देसी घी और इसे हम पिघला लेते हैं। आंच को हम धीमा रखे हैं। घी पिघल जाने के बाद डाल देंगे इसमें 8-10 दाने या बादाम, बस 8-10 दाने या काजू, दोनों को हम काट लिए हैं और इसे हम धीमी आंच पे ही बस 1 मिनट तक भुनेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस उतना ही तक हमें भुनना है। खुशबू आने लगी है फ्रेंड और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहीं पे हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। ये नारियल ताजी है इसीलिए हम इसको हल्का सा भून लेंगे, ताकि नारियल में ही हल्का सा सौंधापन आ जाए। बस इसे भी हम 30 सेकंड तक ही भूनेंगे, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जलने लगता है। नारियल का भी कलर चेंज हो गया है। अब हम डाल देंगे मुनक्का। मुनक्का के बीज हम निकाल लिए हैं, इसके बाद इसे भी डाल देते हैं और थोड़ी सी डाल देंगे किशमिश, इसे भी हम काट लिए हैं। ये सारा चीज शरीर को ताकत देने वाली है, तो ये सभी कुछ डाल देते हैं। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट निकालने के बाद डाल देंगे 2 चम्मच घी और घी पिघल जाने के बाद डाल देंगे 1 कप सिंघाड़े का आटा और इसे हम धीमी आंच पे ही भून लेंगे। इस तरह से इसे करते जाना है और धीमी आंच पे ही इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब तक सिंघाड़े के आटा से भिनी भिनी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हम इसे भूनेंगे। हमें लगातार इसे चलाते जाना है। 10 मिनट भूनने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहीं पे डाल देंगे हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। इलायची की फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद डाल देंगे हम आधा कप पिसा हुआ चीनी, थोड़ी सी डाल देंगे इसमें मलाई। अगर जो आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध को सुखा के गाढ़ा करके डाल सकते हैं। साथ में ही डाल देंगे ये भुना हुआ ड्राई फ्रूट। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मलाई है ना बाइंडिंग का काम करेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। सारा कुछ अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है ना तो लड्डू बनाने में हाथ जलेगी, इसीलिए इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के बाद फ्रेंड ऐसा है कि हाथ से छू सकते हैं, तो इसका हम अब लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह पूरे लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू बनके हो गई है तैयार। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।